हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडर्न जायका। आज हम बनाएंगे खिचड़ा, जो वेडिंग्स में, दावतों में और स्पेशल ओकेशंस में बनाई जाती है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। खिचड़ा बनाने के लिए हम लेंगे हाफ कप उड़द दाल, हाफ कप तुअर दाल, हाफ कप राइस, एक कप गेहूं, हाफ कप मसूर दाल, हाफ कप मूंग दाल और रखे गरम मसाले में हम लेंगे एक तेजपत्ता, हाफ सिनेमन स्टिक, दो स्टार लवंग, छः लवंग, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 6 चॉप्ड अनियंस, 2 किलो मीट, 3 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून गरम मसाला, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। हम यहाँ पे गेहूँ लेंगे एक बाउल में, उसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स किया हुआ गेहूँ हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसको ज़्यादा नहीं ग्राइंड किया है, बस इसको हल्के से एक बार मिक्सर को चलाना है। अब हम इसको पानी में सोक कर लेते हैं ओवरनाइट। हमने गेहूं को और सारे सीरियल्स को ओवरनाइट अलग अलग सोक कर लिया है। सोक किए हुए सीरियल्स और गेहूं को हम कुकर में डाल देंगे। इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। इसको गला लेंगे फॉर 20 to 30 मिनट्स। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको वापस से हम 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर लेंगे और उसमें हाफ कप तेल लेंगे। इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को हम अलग से निकाल लेंगे गार्निश के लिए, और जब भी ये डिश को खाया जाएगा इसके ऊपर थोड़ा प्याज स्प्रिंकल करके खाना चाहिए, तो ये ज़्यादा टेस्टी होती है। और थोड़ा सा कुकर में हम इसको छोड़ देते हैं। अब सारे अखे मसाले ऐड कर लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, टर्मरिक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक एज पर योर टेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम मीट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके हम पकाएंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और मीट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मीट से भी पानी छूटता है, तो पानी थोड़ा कम डालें। एक बड़ा वेजल लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें हमारी मीट ग्रेवी जो बनी हुई तैयार है इसको ऐड कर लेते हैं। फिर उसमें गले हुए सीरियल्स और गेहूं को ऐड कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे 10 मिनट तक। हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है चम्मच से, नहीं तो नीचे लग जाएगा। इसको ढककर नहीं पकाना है। अब टेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा इसको नमक ऐड कर लेते हैं, फिर वापस इसको पकने छोड़ देंगे फॉर 10 मिनट्स। हमारा दावतों वाला खिचड़ा बनके तैयार है। इसको आप 1 चम्मच घी डाल के प्याज और धनिया के साथ इसको गार्निश करके सर्व करें। आप इसको घर पर जरूर बनाएं और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।